न्यूज स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें कि महंगाई ने गरीब आवाम का तेल निकाल दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने आवाम पर मजीद महंगाई बम गिरा दिया। मजीद आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी कुकिंग ऑयल की कीमत में 15 से 26 रुपए मजीद इजाफा कर दिया गया है। यकीनन ये बहुत ही परेशानी की बात है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल 190 रुपए फी किलो तक पहुंच गए हैं। चंद रोज कबल भी यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत में इजाफा किया गया था। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया मौजूद नहीं, कीमतें बढ़ रही हैं, शहरी ये दुहाई दे रहे हैं। कीमतों में इजाफे से यूटिलिटी स्टोर्स की अफादियत खत्म हो चुकी है, शहरी ऐसा भी कह रहे हैं। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है, शहरियों ने इजहार ख्याल किया है। आपको बता रहे चले कि महंगाई ने गरीब आवाम का तेल निकाल दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने आवाम पर मजीद महंगाई का बम गिरा दिया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी कुकिंग ऑयल की कीमत में 15 से 26 रुपए मजीद इजाफा कर दिया गया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल 190 रुपए फी किलो तक पहुंच गए हैं, जबकि चंद रोज कबल भी यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत में इजाफा किया गया था। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया मौजूद नहीं, कीमतें बढ़ रही हैं, शहरी दुहाई दे रहे हैं। कीमतों में इजाफे से यूटिलिटी स्टोर्स की अफादियत खत्म हो चुकी है, शहरी इस बात की दुहाई दे रहे हैं। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है, शहरी मजीद ये भी शिकवा कर रहे हैं। तो आपको बताना चले कि घी और ऑयल जो कि रोजमर्रा की जरूरियात में शामिल है वो भी महंगे हैं, और एक तो महंगे हैं, दूसरी तरफ जब आवाम यूटिलिटी स्टोर्स पर जाती है तो वहां पर ये अशिया मौजूद ही नहीं है, शहरी इस बात का शिकवा कर रहे हैं। एक और बम गिरा दिया गया है आवाम पर हुकूमत की जानिब से, और इस तरह से घी और ऑयल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। कीमत में 15 से 26 रुपए मजीद इजाफा कर दिया गया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल 190 रुपए फी किलो तक पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, और इसी हवाले से शहरियों का शदीद रद्द अमल भी सामने आया है, और उनका कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाही मौजूद नहीं है, और जब अशियाही मौजूद नहीं तो कीमतें भी बढ़ रही हैं। कीमतों में इजाफे से यूटिलिटी स्टोर्स की अफादियत खत्म हो चुकी है। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। आवाम पर मजीद महंगाई बम गिरा दिया गया है, और महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी कुकिंग ऑयल की कीमत में 15 से 26 रुपए वाले से जानते हैं हसन अली से। हसन अली बताइएगा जी, जाएं तो किधर जाएं, आवाम को ना तो सस्त तो सस्ती सब्जी दस्तयाब है, ना ही शहर में कोई और चीज़। जबकि यूटिलिटी स्टोर्स जो कि आवाम की इफादियत के लिए बनाए गए थे, आवाम को सस्ती अशिया फराहम करने के लिए बनाए गए थे, वहाँ पे भी जो मुख्तलिफ ब्रांड के घी कुकिंग ऑयल और दीगर अशियाँ उनकी कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीज़ें मौजूद नहीं हैं, लेकिन कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। और आज यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ब्रांड के घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 15 रुपये से लेकर और 26 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफा जो है वो कर दिया है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे, यहाँ पे मेरे साथ शहरी जो हैं वो मौजूद हैं। जी ये बताइएगा कि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अब कीमतें बढ़ती जा रही हैं और आम आदमी की पहुँच से दूर होती जा रही हैं। ये यूटिलिटी स्टोर बना था गरीब आदमियों के लिए ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिले। हमारा इधर महाना 15-20 हज़ार रुपये का हम सौदा लेके जाते थे, लेकिन अब इधर आते हैं तो कोई चीज़ नहीं मिलती। एक घी मिलता था वो भी पिछले दिनों में 15 रुपये महंगा हुआ है, और अब सुना 20 रुपये से 25 रुपये तक और महंगा हो गया। हम जाएं तो कहाँ जाएं, सुई गैस के बिल ज़्यादा हो गए हैं, बिजली के बिल ज़्यादा हो गए हैं। इसकी वजह से हम वज़ीर आज़म से अपील करते हैं को कोई आवाम को गरीब आवाम को रिलीफ दे ताकि गरीब आवाम भी कोई सूखा सांस ले। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि मेरे साथ शहरी जो है मौजूद थे, उनका ये कहना था कि हुकूमत को चाहिए, वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो बढ़ती हुई महंगाई का नोटिस लें, और ख़ास तौर पे जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं यहाँ पे सस्ती अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि आम शहरियों को, आम सार्फीन को महंगाई के इस दौर में रिलीफ मिल सके। क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई के बायस अब आम आदमी का जीना जो है वो भी मुहाल होता जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए मुख्तलिफ अशिया की कीमतों की तो यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया मौजूद नहीं हैं, लेकिन कीमतें बढ़ती जा रही हैं। और जैसे कि आज जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ब्रांड के जो घी और कुकिंग ऑयल हैं उनकी कीमत में एक मरतबा फिर से इजाफा कर दिया है। ये इजाफा एक हफ्ते में दूसरी मरतबा जो है वो किया गया है। इस हवाले से शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम करे ताकि आम शहरी जो हैं वो उनको किसी का शदीद रद्दअमल भी सामने आया है। बहुत शुक्रिया हसन अली। वफाकी हुकूमत की जानिब से सुई गैस के घरेलू सार्फीन के लिए 200% कीमतों में इजाफे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 90% सार्फीन के टैरिफ को तब्दील करने की समरी अरसाल कर दी गई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से सुई गैस के घरेलू सार्फीन के लिए 200% कीमतों में इजाफे की तैयारियां हैं जो कि मुकम्मल कर ली गई। 90% सार्फीन के टैरिफ को तब्दील करने की समरी अरसाल कर दी गई है।
वफाकी हुकूमत ने सार्फ दुश्मन टैरिफ की तैयारी मुकम्मल कर ली है। घर में खाना पकाने के लिए सिर्फ चूल्हा जलाने के लिए गरीब सार्फिन के लिए गैस की कीमत बढ़ाई जा रही है। समरी के मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए 50 यूनिट तक का गैस रेट 121 से बढ़ाकर 380 रुपए फी MMBTU हो जाएगा, जबकि महाना 100 यूनिट वाले सार्फिन के लिए रेट 300 से बढ़ाकर 353 रुपए फी MMBTU हो जाएगा। इसी तरह 400 रुपए महाना बिल 1600 रुपए तक तजावत कर जाएगा। दूसरी जन उमरा के लिए टैरिफ में कमी की जा रही है। महाना 200 से 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए गैस सस्ती करने का फैसला किया गया है। महाना 200 यूनिट वालों के लिए गैस 553 रुपए से कम करके 530 रुपए फी MMBTU, जबकि महाना 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए गैस 738 रुपए से कम होकर 706 रुपए फी MMBTU हो जाएगी। ओगरा के मुताबिक महाना 400 यूनिट वाले सार्फिन के लिए गैस 1107 रुपए से बढ़ाकर 1273 रुपए फी MMBTU होगी। 5 साल से हो रहा हूँ सिलेंडर जला रहा हूँ, वो सिलेंडर पे पूरा नहीं पड़ता, 150 रुपए किलो गैस है, वो कहाँ से पूरी करें? अगर फिर वजन बिल हूँ फिर अगे ऐ नहीं पूरा हो रहा होगा कि पूरा करा, हूँ सोचे कि उन्होंने बंद कर दी इन साड़ी गरीब सारे ने कनेक्शन खत्म करते हैं, बंद करा दे साहब ने। हुकूमत गैस सार्फिन पर पहले ही 200 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल चुकी है। अब तक गैस के निरहों में 333% इजाफा हो चुका है। मौजूदा इजाफे से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के 90% सार्फिन मुतासर होंगे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ शाही सिपरा, सिटी 42। तब्दीली सरकार का गैस की कीमतों में इजाफा, तंदूर मालिकान की चीखें निकल गई, आम शहरियों का भी शदीद रद्दअमल सामने आया है। तब्दीली सरकार का गैस की कीमतों में इजाफा देखने में आया है और तंदूर मालिकान की भी इस हवाले से चीखें निकल गई हैं, आम शहरियों का भी शदीद रद्दअमल देखने में आ रहा है। तब्दीली सरकार ने गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला कर लिया है। तंदूर मालिकान ने चीखें मारना शुरू कर दी हैं, आम शहरियों का भी शदीद रद्दअमल देखने में। वफाकी हुकूमत की जानिब से सुई गैस निर्ख बढ़ने से तंदूर मालिका ने शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार किया। मालिका ने कहा कि तब्दीली सरकार के वोटर हैं मगर इमरान खान ने हमें बर्बाद करके रख दिया है। जिला इंतजामी रोटी 6 रुपए और नान 12 रुपए में फरोख्त करवाने पर बजिद है। नान या रोटी के निर्ख बढ़ाओ तो गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ता है, जबकि मिल मालिकान को कोई कंट्रोल नहीं करता। उन्होंने कहा कि गैस महंगी और गैस की लोड शेडिंग की वजह से सिलेंडर बढ़वाना पड़ता है, हम जाएं तो जाएं कहां? हमारा क्या कसूर है इसमें? ये गैस महंगी हो रही है, इधर रोटी महंगी करते हैं तो पकड़ने लेके आ जाते हैं, चार चार दिन हम जेल में काट के आते हैं, नहीं पैसे आए तो 20-30 हज़ार रुपए जुर्माना दें, कहाँ से दें? आम शहरियों ने भी गैस के निर्ख बढ़ने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। शहरियों का कहना था कि घरों में गैस की लोड शेडिंग जारी है, जबकि बाजार से रोटी या नान लेने जाएं तो निर्ख में इजाफे का डर होता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम सेक्टर में महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है। गैस आंधी कोई नहीं, लकड़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो लकड़ दे बहुत महंगी लकड़ पैंदी है, दुकानदारी भी खराब होती है, कारीगर भी जड़े वो भी बहुत तंग होंगे ने। घर में लाइट आएगी, गैस आएगी तो हम अपना सिस्टम चला सकेंगे, अगर नहीं आएगी तो हम तंदूरों पे जाएंगे। तंदूरों वाले की पोजीशन ये है कि वो कहते हैं गैस हमारी महंगी हो रही, गैस आ नहीं रही, हम दूसरा ईंधन इस्तेमाल करें, ये करें वो करें, आप रोटी महंगी होगी और उससे आवाम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो पहले 8 रुपये का बिकता था, ये पहले ये 7 रुपये का, 6 रुपये का, फिर 8 रुपये का, अब टोटल 10 रुपये का, फिर 12 रुपये का, अब ये मजीद बढ़ते ही जा रहे हैं, अभी कमी करो। ये तंदूर मालिकान ने मजीद कहा कि हुकूमत ने गैस निर्ख कंट्रोल करने में संजीदगी का मुजाहरा ना किया तो मजबूरन नान रोटी के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। कैमरामैन इरान सदीकी के साथ साउथ बर्ड, सिटी 42। हाई कोर्ट से खबर शामिल करें, PIC हंगामा में मुलविस वकला की रिहाई की दरख्वास्त पर समाज जारी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमिन अली आगा, IG पंजाब हाई कोर्ट पेश हुए हैं। CCPO जुल्फिकार हमीद, एडवोकेट जनरल और MSPIC भी इस मौका पर पेश हुए। वकला की जानिब से हाई कोर्ट बार के सदर हफीज रहमान चौधरी भी पेश हुए। इसी हवाले से जानते हैं मलिक अशरफ से, मलिक अशरफ क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद मुजाहर अली अकबर नकवी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमल दो रुकनी बेंच ने PIC वाक्य में गिरफ्तार वकला की रिहाई के हवाले से जमाल सोकेरा समेत दिगर अफसरान पेश हुए। जब इस किस किस बात का आगाज हुआ तो वकला की जानिब से अहमद जमाल सोकेरा समेत दिगर अफसरान पेश हुए। जब इस किस किस बात का आगाज हुआ तो वकला की जानिब से हाईकोर्ट बार के सदर फिसरमान चौधरी, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल एहसन भून, सबक सदर लाहौर हाईकोर्ट बार शफका महमूद चौहान, दीगर वकला पेश हुए। अदालत ने उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें और जो मुलव्वस हैं उनके खिलाफ हम नहीं कहेंगे। IG पंजाब ने कहा कि ऐसा ही होगा, बिल्कुल कानून के मुताबिक और मैट के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। IG पंजाब ने कहा कि ऐसा ही होगा, बिल्कुल कानून के जिनको आपने उनके सरों पे काले मफलर पहनकर उनको अदालत में पेश किया, ऐसे क्यों किया? IG पंजाब बोले कि काले मफलर पहनकर उनको अदालत में पेश किया, ऐसे क्यों किया? IG पंजाब बोले कि इन वकला की शनाख्त करवाना थी।
جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ ان وکلاء کو اگر آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا تو کیمریز نہیں تھے۔ جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی نے میڈیا کو بھی کہا کہ وہ اپنا رول پوسٹر ادا کریں۔ انہوں نے عدالت میں موجود میڈیا کے نمائندوں کو کہا کہ کریں جو عدالت میں ہو رہا ہے۔ عدالت نے کہا کہ شک اس بات سے ہٹ کو کہا کہ آپ وہی رپورٹنگ کریں جو عدالت میں ہو رہا ہے۔ عدالت نے کہا کہ شک اس بات سے ہٹ کر رپورٹنگ نہ کی جائے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس وقت پوسٹ آف رول ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ آئی جی صاحب بتائیں کہ یہ جو وکلا ہیں وہ ایوان عدل سے پی اے سی تک گئے، ان کو کیوں نہیں روکا؟ آئی جی پنجاب بولے کہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی، جگہ جگہ پر روکا۔ جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ پھر ان کو جانے کی اجازت کیوں دی گئی؟ آئی جی پنجاب بولے کہ وکلا نے کہا تھا کہ وہ پرامن احتجاج کریں گے جس کے بعد منتشر ہو جائیں گے۔ جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ آپ کے اندازے غلط نکلے۔ مزید ریمارکس عدالت نے دیے، ایسی جگہ پر ہنگامہ آرائی ہوئی جہاں پہ اونچی آواز میں سانس بھی نہیں لیا جاتا اور ویانا کنونشن کے تحت وہاں پہ حملہ بھی نہیں کیا جا سکتا، وہاں پہ ہار نہیں بجایا جا سکتا۔ بدقسمتی سے وہ کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ احسن بھون ایڈوکیٹ نے کہا کہ وہ اس معاملے کی انہوں نے مذمت کی ہے اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا اس وقت عدالت کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ وکلا کے خلاف بطور کمیونٹی کالے کوٹ کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ آئی جی صاحب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آئی جی پنجاب بولے کہ ایسا نہیں ہو رہا، صرف جو ملوث وکلا ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ عدالت نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم سے استفسار کیا کہ اس واقعے میں کتنی ہلاکتیں ہوئیں۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم محمد علی آغا بولے کہ 3 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ عدالت نے اسے استفسار کیا کہ کتنی اس پہ مالی معاونت فراہم کی گئی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم نے کہا کہ اس پہ 1 ملین ان کو دیا جا رہا ہے۔ جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ یہ تو بہت کم ہے، اس سے کیا بنتا ہے؟ عدالت میں دوران سماعت یہ بھی ریمارک دیے کہ یہ ایسا واقعہ ہے جس سے وکلا کمیٹی کا جو ان کا جو کردار ہے وہ کافی طرح متاثر ہوا ہے۔ جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ جو ملوث ہیں، جو وکلا ملوث ہیں، ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس کے حوالے سے ہم نہیں کہیں گے، لیکن ایسے وکلا جو اس واقعے میں ملوث نہیں، جو ویسے گئے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا، ایسا نہ کیا جائے، کالے کوٹ کو ٹارگٹ نہ بنایا جائے۔ آئی جی صاحب یہاں پہ 1.5 لاکھ سے جی کالے کوٹ کو ٹارگٹ نہ کیا جائے۔ مطلب ہمیں تفصیل آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بلٹن میں حاضر ہوں گیسٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک، اور ابھی آپ کو بتائیں گے سانحہ پی آئی سی کے حوالے سے۔ پولیس دو روز کریک ڈاؤن کرنے کے بعد سو گئی ہے، اور لاہور پولیس نے فائرنگ کرنے والے مرکزی ملزمان کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ پولیس مرکزی ملزمان کو نہ پکڑ سکی یا پکڑنا ہی نہیں چاہتی، سوال اٹھنے لگے ہیں۔ متعدد وکلا کو گرفتار کرنے کے بعد اثر و رسوخ کی بنیاد پر چھوڑ دیا گیا، ذرائع کیسے بتانا یہ کیا معاملات ہیں؟ ہمیں اس تمام تر معاملے پر جوائن کیا عرفان ملک نے، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ عرفان ملک مجھے بتائے گا کہ پولیس کیوں جو اس میں ملوث تھے وکلا ان کو گرفتار کرنے میں سستی کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ بدھ کے روز کے روز ہی گزشتہ بدھ جو ہے یہ افسوسناک واقعہ اسی وقت پیش آیا تھا جب ہم اس وقت آپ کو اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں۔ تو اسی وقت جو ہے وہ وکلا کی ایک بڑی تعداد تھی جس نے پی آئی سی کے اوپر حملہ کیا، اور پی آئی سی میں وکلا اور جو وہاں پہ وکلا کی جانب سے ڈاکٹر اور وہاں پہ جو اٹینڈنٹ تھے یا پیشنٹ تھے، ان کو مبینہ طور پہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس واقعے کی 2 ایف آئی آر درج کی گئیں، ان دونوں ایف آئی آر کی جو تفتیش کی گئی، جو تحقیقات کی گئی، اس میں سیف سٹی کیمراز کی جو 20 گھنٹے کی ویڈیو لی گئی، اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا کے اوپر فوٹیجز چلی وہ حاصل کی گئیں، اور سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج حاصل کی گئی۔ لیکن اس میں آپ کو بتائیں کہ پولیس کی جانب سے جو پہلے 2 روز تھے، یعنی کہ بدھ اور جمعرات کو جو واقعہ جو کریک ڈاؤن کیا گیا تھا وکلا کے خلاف، اس کے بعد پولیس کی جانب سے کسی بھی جو نامینیٹڈ ملزم ہے اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ اس میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پولیس کی جانب سے اب تک صرف 42 ملزمان جو ہیں ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا، جن کی گرفتاری باقاعدہ طور پہ ڈالی گئی، لیکن متعدد ایسے وکلا تھے جن کو موقع سے گرفتار کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اثر رسوخ ہونے کی وجہ سے ان وکلا کو رہا کر دیا گیا۔ اس میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو ملزمان جو آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے، جو سی سی ٹی وی فوٹیجز اور جو میڈیا کے اوپر فوٹیجز چلی تھی جس میں لوگ وکلا جو فائرنگ کر رہے تھے، جن کے نام جو آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے، جن کی نام کے ملک حسیب،
आजम म्योर, आबद नाज थे। इन तीनों जो मरकजी मुलजमान थे इनमें से अभी तक एक भी मुलजम गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इसी तरह वजीर इत्तला'आत के ऊपर जिन वकला की जानिब से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, उनकी शनाख्त ज़ैन अब्बास और अब्दुल माजिद के नाम से हुई, वो दोनों मुलजमान जो हैं वो भी गिरफ्तार नहीं हो सके। इसी तरह जो मुलजमान जो आइडेंटिफाई हुए जिनकी सेफ्टी कैमराज की मदद से उनकी शनाख्त की गई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। पुलिस अफसरान से इस हवाले से जब पूछा गया तो पुलिस अफसरान का कहना था कि वो तमाम मुलजमान जो हैं जिनको आइडेंटिफाई किया था वो अपने घरों से गायब हैं, अपने घरों को ताला लगाकर फरार हो चुके हैं, इस वजह से उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। लेकिन दूसरी जानिब बहुत से सवाल भी उठने शुरू हो गए जब वकला को मौके से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि अदालत में भी इस हवाले से नाकिस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से पुलिस अफसरान और अहलकारों को शो काज नोटिस जारी किए गए थे कि उनकी जानिब से जो ऐसे मुलजमा ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जिनका वकालत के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, या जो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे लेकिन पुलिस ने खाना पूरी करने के लिए उनको गिरफ्तार किया। और इसी वजह से जब से उनको शो काज मिले हैं तब से पुलिस की जो वर्किंग है वो हमें स्लो नज़र आई, और अब तक पुलिस की जानिब से कोई भी मुलजम जो है जिनकी आइडेंटिफाई किया गया जिनको सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से या मीडिया फुटेजेस की मदद से जो फायरिंग कर रहे थे वहाँ पे जलाओ गिराओ कर रहे थे या पथराव कर रहे थे उन मुलजमान को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जी ज़राए का बताना है कि मुतअद्दिद वकला को गिरफ्तार करने के बाद सूख की बुनियाद पर छोड़ दिया क्या है। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। नाज़रीन आपको बताएं कि लेस्को में मुलाजमीन और सार्फीन की मिली भगत से खराब मीटर्स को तब्दील करके करोड़ों रुपए की बिजली चोरी का सुराग लगा लिया गया। लेबोरेटरी रिपोर्ट्स की रोशनी में 5 करोड़ रुपए के डिटेक्शन बिल चार्ज कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, लेस्को में मुलाजमीन और सार्फीन की मिली भगत से खराब मीटर्स को तब्दील करके करोड़ों रुपए की बिजली चोरी का सुराग लगा लिया गया है। इसी हवाले से जानते हैं शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से मुलाजमीन और सार्फीन की मिली भगत से करोड़ों रुपए की होने वाली बिजली चोरी का सुराग लगाया गया है। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्ठा को इस बात की इतला मौसूल हुई कि मुख्तलिफ सब डिवीजनल दफातर में सार्फीन के जो थ्री फेज और सिंगल फेज मीटर्स हैं जो दुरुस्त हैं लेकिन उनको खराब डिक्लेयर करने के बाद सार्फीन को बिजली चोरी करवाई जा रही है, जिसके बाद लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्ठा की जानिब से तमाम लेबॉरटरीज के जो अफसरान हैं उनको ये अहकाम दिए गए कि जितने भी मीटर्स का खराब जिनको डिफेक्टिव करार देकर स्टोर में भिजवाया गया है या दफातर में मौजूद हैं उनको लेबॉरटरी लाया जाए और उनकी लेबॉरटरी रिपोर्ट्स हासिल की जाए। ज़रा ने यह बताया है कि जब लेबॉरटरी रिपोर्ट्स लेस्को में हासिल की हैं तो उसके बाद ये बात सामने आई है और इस बात की निशानदेही की गई है कि तकरीबन 36 लाख यूनिट्स जो हैं वो सार्फीन को बिजली चोरी की मद में ज़ाया करवाए गए। अगर उसकी बिलिंग की सूरत में बात की जाए तो तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए बनते हैं जो कि सार्फीन और मुलाजमीन की मदद से ये बिजली चोरी हो चुकी थी। अब लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से लेबॉरटरी रिपोर्ट्स की रोशनी में वो सार्फीन जिनके दुरुस्त मीटर जो हैं उनको ख़राब डिक्लेयर किया गया था और उसकी बुनियाद पर उनको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई थी उनको डिटेक्शन बिल चार्ज किए गए हैं। दूसरी जानिब लेस्को की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि वो मुलाजमीन जिसमें बिलखसूस लाइन सुपरिटेंडेंट शामिल हैं और मीटर रीडर्स शामिल हैं जो कि सार्फीन के साथ मिलकर बिजली चोरी करवा रहे थे और दुरुस्त मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाकर उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे उनके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये वो खुफिया तौर पर बिजली चोरी हो रही थी जिसकी निशानदेही की गई है और अब लेबॉरटरी रिपोर्ट्स के मुताबिक 36 लाख जो यूनिट्स हैं उनकी तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए जो है बिलिंग की जाएगी और यह सार्फीन से बिलों की सूरत में वसूल किए जाएंगे। शाहिद सिप्रा आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में 39वां बैनुल अक्वामी साइंटिफिक सिंपोजियम जारी है। वीसी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। एंड ऑफ दिस सेमिनार वी विल हैव अ कंक्रीट पॉलिसीज एंड फ्यूचर गाइडलाइन फॉर हेल्थ केयर सेक्टर। और जो स्पीकर्स आज सुबह से डेलीब्रेट करते रहे इसमें मेरे क्लास फेलो और काफी क्लास फेलो अजीमुद्दीन जाहिद, फैसल सुल्तान, डॉक्टर तुफैल, राहिल अहमद सिद्दीकी, हाफिज एजाज, नासिर इस्लाम भट्टी, ताबिंदा दोगल, आर तारिक अजीम, नदीम रिजवी, कामरान चीमा, शफीक गिल, सुहेल चुगताई, साकिब शफी, अब्दुल बारी साहब स्पेशल कराची से तशरीफ़ लाए, फरीद जफर हमारे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, कदीर वड़ाइच, गयासुल नबी तैयब, मतीन इजहार और हमारी फॉरन स्पीकर फ्राम UK डॉक्टर ली होडर्स। इन तमाम ने आई थिंक दे डेलीबरेटेड ऑन इनोवेटिव टॉपिक्स एंड वेरी एमिनेंट पीपल दे आर सिटिंग इन दिस हॉल। आखिर में सिर्फ मैं दो का तस्करा करना चाहूँगा
जब मैं केमका यूके की मीटिंग में गया तो देन आई फेल्ट वेरी प्राउड कि ये केमकोलियन किंग एडवर्ड का जो हिस्टोरिकल प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जिसकी 160 साल हिस्ट्री है, जो 1860 से लाहौर मेडिकल स्कूल के नाम से कायम हो रहा है और ये जे वी स्क्रीवन ने 1860 में आके पहले 10 साल इंस्टीट्यूशन को लीड किया और ये तमाम लोग आते रहे इस हिस्टोरिकल और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के जो ग्रेजुएट हैं, जो केमकोलियन हैं, किस अंदाज में केई का झंडा बुलंद कर रहे हैं और किस अंदाज में किंग एडवर्ड को और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज इस हाल में दो शख्सियतें बैठी हैं, उमर सादात पीछे बैठा है और मुझे देख के और इंतहाई खुशी हुई कि यूके में हंटेरियन प्रोफेसर 70 साल के बाद अगर कोई ब्राउनिश बना है वो उमर सादात है, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है। और मैंने उमर सादात का तस्करा किया, पर्टिकुलरली यंग केमकोलियन और स्टूडेंट बैठे हैं, ही इज़ ए रोल मॉडल फॉर यू। आप गूगल्स करके देखें उमर सादात की क्या कंट्रीब्यूशन है और क्या इनोवेशन है इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसन। और अभी मैंने गेट से आते हुए देखा तंजीम हैदर, जब मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। और यूके में जाके पता लगा मुझे और उससे पहले भी कि क्वींस ने हेल्थ का जो बेस्ट प्राइज बरतानिया का दिया वो एक केमकोलियन को और वो तंजीम हैदर को। वी आर प्राउड ऑफ यू तंजीम हैदर एंड उमर सादात। और मैं ये समझता हूँ ये रोल मॉडल्स हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के केमकोलियन। दे आर प्राइड फॉर दिस कंट्री, दे आर प्राइड फॉर दिस वर्ल्ड। और इंशाल्लाह एक कलेक्टिव एफर्ट और टीम स्पिरिट के साथ इसी अंदाज में किंग एडवर्ड का झंडा बुलंद करते रहेंगे। और मैं अपने असातज़ा इकराम जो यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, ख़ासतौर पर सर्जरी और मेडिसिन के फादर्स दोनों यहाँ बैठे हैं, प्रोफेसर अब्दुल मजीद चौधरी, मुझे ऑनर है मैंने असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर इनके साथ काम किया, आई हैव बीन द हम्बल स्टूडेंट ऑफ प्रोफेसर मजीद चौधरी। और हम सारे शागिर्द हैं प्रोफेसर महमूद अली मलक के जो तशरीफ़ फरमाएँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है और मैडम इस सेशन को चेयर कर रही हैं। मसूद गोंदल खिताब कर रहे हैं। रायवंड से आपको खबर दें जहां पर पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन जारी है और तैयारियां आखिरी मराहल में हैं। पंडाल में सैकड़ों की तादाद में कुर्सियां लगा दी गई हैं, सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। पंडाल के चारों तरफ पार्टी झंडों की बहार है। आज वर्कर कन्वेंशन होगा। स्टेज पर बिलावल और बेनजीर भुट्टो की फ्लेक्सेस लगा दी गई है जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसी हवाले से जानते हैं फरहान यामीन से। फरहान यामीन बताएगा तैयारियां कहां तक पहुंची। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तैयारियों की वर्कर कन्वेंशन की तो वो हतमी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं, कुर्सियाँ सैकड़ों की तादाद में बिछा की गई हैं। मेरे जो कैमरा मैन है मेरे अकब में दिखाएगा कि स्टेज की बिल्कुल हतमी मराइल में दाखिल हो चुकी है। डाइस इस वक्त नस्ब किया जा रहा है, सोफे बिछा दिए गए हैं। ये वो डाइस है जहाँ पर बिलावल अल भुट्टो अपने जियालों का खून गरमाएंगे, जबकि मेरे बिल्कुल सामने सैकड़ों की तादाद में कुर्सियाँ बिछाई गई हैं जिस पर जियालों की आमद का सिलसिला जारी हो गया है। और जियालों के आते पार्टी परचम थान में हुए हैं। 27 दिसंबर को लियाकत बाग में बेनजीर की शहादत के मौके पर एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्किद किया जा रहा है जिसके हवाले से आज लाहौर में पीपल्स पार्टी की जानिब से वर्कर कन्वेंशन मुनक्किद किया जा रहा है। और जो जगह मुंतखब की गई है वो रायवंड कासिम बाग है जहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो बिल्कुल मुकम्मल हो गई हैं। और जो कारकुनान की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। बिलावल भुट्टो के हमरा हसन मुर्तजा, कमर कायरा और दीगर पार्टी के कारकुना जो आला क्यादत है वो जो वर्कर कन्वेंशन है उससे खिताब करेंगे। और जो तैयारियां अगर उसकी हवाले से मजीद बात की जाए तो पुलिस की भारी नफरी यहां पर तैनात की गई है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, सुराग रसा कुत्तों से यहां पर चेकिंग की गई है। उम्मीद की जा रही है 3:30 बजे के करीब बिलावल भुट्टो जलसागाह में पहुँच जाएंगे जिसके बाद जियालों का वो अपना खून गरमाएंगे और पर खिताब करेंगे। इससे कबल क्वेटा और कराची में भी बिलावल भुट्टो वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर चुके हैं। लाहौर के बाद वो रुख खैबर पख्तूनख्वा करेंगे जहां पर वर्कर कन्वेंशन से वो खिताब करेंगे। और 27 दिसंबर के हवाले से जो एक बड़ा जलसा लियाकत बाग में मुनक्किद किया जा रहा है उसके हवाले से जो वर्कर्स हैं उन्हें मोबालाइज करने के लिए तमाम वर्कर कन्वेंशन मुनक्किद किए जा रहे हैं। जी रायवंड में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां अरूज पर हैं। अमीन आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे सुबह वजीरे से डॉक्टर यास्मीन राशिद खिताब कर रही हैं।
The problem is this, we don't for hepatitis C. اب کیونکہ ہیپیٹائٹس سی کی ویکسینیشن نہیں ہے تو آپ اس کی پریونشن ایک طریقے سے ہی کر سکتے ہیں کہ بندے کو انفیکشن نہ لگے اور یہ ابھی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں ایک مائکرو ایلیمینیشن پروگرام ہے ڈبلیو ایچ او کا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا جو ہم نے ابھی چند دن پہلے یعنی کوئی تقریباً ایک مہینے پہلے پائلٹ کیا ہے ننکانہ کے اندر اور وہاں ہے تو 22,000 کی آبادی لیکن کیونکہ اسکریننگ جو ہے وہ 5 سال سے بڑی عمر جو بچے ہیں ان کی اسکریننگ نہیں ہوتی جب ہم نے اسکریننگ کی 18,000 لوگوں کی تو جو افسوسناک بات ہے ایک گاؤں کے اندر افسوسناک بات یہ ہے کہ 1700 سے زائد بندے پازیٹیو ہیپاٹائٹس سی کے ہیں ناؤ دیٹ واز ایکسٹریملی الارمنگ وائی بیکاز اف 1700 پیپل ہیو کم آؤٹ پازیٹیو in a population of 18,000, what we are seeing here today, it might be an area of high prevalence. Lekin aapne jo statistics aapke samne vyas nabi tayyab pesh kar rahe the usme 8 aur 9% keh rahe the hepatitis, is hisab se to humne dekha ki 14% ban raha hai. Now this is the sort of prevalence aur ye this is the new program which WHO wants to bring in. It's a very expensive program which means you've got to do mass screening, which means every person has to be screened. Then once you have found that the person has been screened, then you start, and if he comes out positive for hepatitis C, you start treating the patient and ensure that the virus is totally eliminated, which is again a very, very expensive procedure. So by the way, Dr. Yasmin Rashid khitab kar rahi hain. بلٹن میں حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بتائیں کہ کم عمر بچے بچیاں درندوں کی حوس کے نشانے پر ہیں پولیس نے زینب قتل کیس سے بھی سبق نہ سیکھا پولیس کے تمام دعوے صرف دعووں کی حد تک محدود رہے رما سال 10 سال سے کم عمر بچے بچیوں سے زیادتی کے 1333 مقدمات درج کیے گئے ہیں اسی حوالے سے جانتے ہیں علی ساحی سے علی ساحی بتائیے گا جی بالکل پنجاب میں بچے جو ہیں وہ درندوں کی حوس کا نشانہ روزانہ کی بنیاد پر بنتے ہیں اس میں بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے لیکن جو لاہور سمیت پنجاب بھر میں رواں سال میں کیسز رپورٹ ہوئے ان کی تعداد 1316 ہے اس میں اگر بات کی جائے کم عمر بچوں کے ساتھ بدفعلی کے کیسز کی تو ان کی تعداد اس سال 905 رپورٹ ہوئی جس میں 11 بچوں کو بدفعلی کے بعد درندوں نے حوس کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا بچیوں کے کیسز کی بات کی جائے تو 411 کیسز جو ہیں وہ تھانوں میں رپورٹ ہوئے جس میں 6 بچیوں کو زیادتی کے نشانہ بنانے کے بعد جو ملزمان تھے ان کی جانب سے ان بچیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اگر بات کی جائے رواں سال 1039 کیسز کو حل کر دیا گیا ہے 205 کیسز جو ہیں وہ زیر تفتیش ہیں صرف 3 کیسز اب تک جو ہیں رواں سال پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق ٹریس نہیں ہوئے وہ تینوں کیسز لاہور کے متعلقہ ہیں جہاں پر انویسٹیگیشن پولیس کی جانب سے ابھی تک 3 کیسز کو ٹریس نہیں کیا جا سکا لاہور میں سب سے زیادہ تعداد میں یہ کیسز رپورٹ ہوئے پولیس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ایسے کیسز میں پولیس کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا اور کم عمر بچوں اور بچیوں کے ساتھ بدفعلی ضلع لاہور کے 3 کیسز اب تک ٹریس نہیں ہو پایا علی صاحب آپ کا بہت شکریہ دوسری جانب لاہور انویسٹیگیشن پولیس میں سری شاہ کی کارروائی ہوئی ہے اور نشے سے منع کرنے پر اپنی بیوی کو چھریاں مار کر قتل کرنے والا ملزم عادل گرفتار کر لیا گیا ہے مقتولہ شوہر کے نشے کی لت سے باس نہ آنے پر ناراض ہو کر مہکی چلی گئی تھی جی بالکل آپ کو بتائیں کہ ملزم عادل بیوی کو منانے کے بہانے سسرال گیا اور چھریوں کے وار سے قتل کر دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور انویسٹیگیشن پولیس میں سری شاہ کی کارروائی نشے سے منع کرنے پر اپنی بیوی کو چھریاں مار کر قتل کرنے والا ملزم عادل گرفتار کر لیا گیا مقتولہ شوہر کے نشے کی لت سے باز نہ آنے پر ناراض ہو کر مہکے چلی گئی تھی جبکہ ملزم عادل بیوی کو منانے کے بہانے سسرال گیا اور چھوریوں کے وار سے قتل کر دیا دوسری جانب آئی جی پنجاب سے چین کے کونسل جنرل مسٹر لانگ ڈنگ بن کی ملاقات چینی ماہرین سرمایہ کاروں شہریوں کی سیکیورٹی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی جی کا کہنا ہے کہ سی پیک پر کام کرنے والے چینی ماہرین کی سیکیورٹی اولین ترجیح ہے ایس پی او چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے فرائض جانفشانی سے ادا کر رہی ہے سیکیورٹی انتظامات بہتر بنانے کے لیے ورکنگ سائٹس کی انسپیکشن بھی جاری ہے شیف دستگیر کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا جبکہ چینی کونسل جنرل مسٹر لانگ ڈن بن نے چینی شہریوں کے لیے سیکیورٹی انتظامات کو تسلی بخش کرا دیا ہے
लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत का ये मामला है। हमजा शहबाज को हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच पर मुकम्मल एतमाद है, वकील की जानिब से बताया गया है। हमजा शहबाज ने इस बेंच पर एतराज किया था। जस्टिस अली बाकर नशवी ने इस्तफसार किया, क्या आपने इस बेंच बारे हमजा शहबाज से हिदायत ली है? जस्टिस अली बाकर नशवी ने इस्तफसार किया, हिदायत के बाद ही मुकम्मल एतमाद की बात कर रहे हैं, वकील की जानिब से ये मौके अपनाया गया। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत पर 13 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। इस केस के हवाले से आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत की गई। हमजा शहबाज को हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच पर मुकम्मल एतमाद है, वकील हमजा शहबाज ने यह मौकिफ अपनाया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।